Haryana, we've been told that Congress MP Tipinder Singh Hooda has welcomed Arvind Kejriwal's bail but has said that Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party does not have a base in Haryana. He said that the way the BJP leaders are joining Congress, it is evident that the party will win with a majority in Haryana. Listen in. जो लगातार कांग्रेस में ज्वाइनिंग का क्रम चल रहा है, कल भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करण देव कंबोज जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, आज भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखवीर मांडी जी, पूर्व विधायक, और जयप्रकाश अग्रवाल जी, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, और तमाम पदाधिकारी, सैकड़ों पदाधिकारी प्रदेश भर से जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, ये एक संकेत है इस बात का कि भाजपा प्रदेश से जा रही है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में आ रही है, कांग्रेस के पक्ष में लोगों का मन बना है। पीएम मोदी अब हरियाणा चुनाव में एक्टिव हो गए हैं, कुरुक्षेत्र में उनकी रैली है, आज उन्होंने परिवारवाद से हमला बोला श्रीनगर से, डोडा से, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सभी दलों के सभी नेता, राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेता, अपने अपने चुनाव पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सर, केजरीवाल कांग्रेस के अगेंस्ट में चुनाव हरियाणा में लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है, वो जेल से बाहर आ चुके हैं? देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि न्याय की उम्मीद न्यायपालिका से है। जब केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में विपक्ष को निशाने पर लेने का काम कर रही हो, आपने देखा 10 वर्ष से क्या हुआ है, आपने देखा लोकसभा से चुनाव से पहले दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल तक पहुंचाने का काम राजनीतिक इशारे पे किया गया था, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या झारखंड के मुख्यमंत्री। तो ऐसे में जो ये बेल मिली है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी का ज़्यादा जनाधार हरियाणा के अंदर नहीं है, और उसके बाद क्या उनका रवैया रहता है वो तो देखो। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.